Let's improve English. Why should I watch this video? If you're wondering, then let me explain this to you in simple lines why you should watch this video instead of giving a long introduction, probably boring. You should watch this video because you'll learn useful phrases and words in daily life sentences. You'll practice well by trying to translate the sentences that I mention in Hindi. You'll learn how to say certain things in multiple ways. You'll have a great listening practice as you watch the video. जो तुमने किया है वो माफी के लायक नहीं है इसे इंग्लिश में हम कह सकते हैं वट यू डन इज अनफर्गिवेबल समथिंग इज इट डिड दैट डिजर्व टू बी इ तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है योर मिस्टेक इज अन इट इज इफ समथिंग इज इंगल इट मींसू एवर डिड दैट डिजर्व टू बी फरगिवन मेरा उल्टी जैसा मन हो रहा है जब इसे हमें इंग्लिश में कहना हो तो हम कह सकते हैं आई एम फीलिंग नोजियस नोजियस और नोशियस नोशियस एंड नोजियस वन ऑफ द प्रोनाउंसिएशन इज ब्रिटिश एंड द अदर इज अमेरिकन बोथ वेज ऑफ प्रोनाउंसिंग दिस वर्ड आर करेक्ट आई एम फीलिंग नोजियस और आई एम फीलिंग नोशियस वी कैन ऑल्सो से क्वीजी आई एम फीलिंग क्वीजी क्वीजी मेरा खुद उल्टी जैसा मन हो रहा है जिसको भी हम कह रहे हैं वो कह रहा है मेरा खुद उल्टी जैसा मन हो रहा है आई एम फीलिंग क्वीज ई माई सेल्फ आई एम फीलिंग क्वीज ई माई सेल्फ तुम्हारी वजह से अब सबकी नजरों में मेरी इज्जत कम हो गई है देर इज एन एडियम इन इंग्लिश दैट वी कैन यूज फॉर सच ए सिचुएशन नाउ पीपल थिंक लेस ऑफ मी बिकॉज ऑफ यू पीपल थिंक लेस ऑफ मी इफ पीपल थिंक लेस ऑफ यू इट मीन्स यू हैव लॉस्ट देयर रिस्पेक्ट इन सम वे नाउ पीपल थिंक लेस ऑफ मी बिकॉज ऑफ यू मतलब पहले ज़्यादा तारीफ करते थे अब थोड़ी कम इज्जत करेंगे मेरी पीपल थिंक लेस ऑफ मी बिकॉज ऑफ यू लेट सी अनदर एग्जाम्पल मेरी नजरों में तुम्हारी इज्जत कोई कम नहीं हुई है आई डोंट थिंक एनी लेस ऑफ यू आई डोंट थिंक एनी लेस ऑफ यू थिंक लेस ऑफ सम मतलब किसी के लिए इज्जत कम हो जाना अगर मेरी कहीं बात का तुम्हें कोई बुरा लगा हो तो मुझे माफ कर दो I want you to try to translate this sentence into English so here is how we can do that please forgive me if you took any offense to what i said if you took any offense to what i said jo bhi maine kaha agar wo baat aapko buri please forgive me we can also say please forgive me if you were offended by what i said if you were offended by what i said wo mistri mistri kam aur thekedar zyada lag a tha aise hum kabhi kabhi bolte hain ki aisa kam aur aisa zyada lag raha वो मिस्त्री मिस्त्री कम और ठेकेदार ज्यादा लग रहा था ये दूध दूध कम और पानी ज्यादा लग रहा है तो हम कैसे बोल सकते हैं ही वॉज लेस ऑफ अ मेसन एंड मोर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर लेस ऑफ अ मेसन एंड मोर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टर और शॉर्ट में हम ऐसे भी बोल सकते हैं ही मोर ऑफ अ अ मेसन देन कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात करते हुए मुझे याद आ रहा है कि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कुछ उस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश बताई थी जो अक्सर यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर मिस्त्री ईंटे लगाता है मिस्त्री के कौन कौन से टूल्स होते हैं क्या क्या होते हैं उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो लेसन बनाया था उस वीडियो को देखने के लिए आप यहाँ पर राइट कॉर्नर में क्लिक कर सकते हैं आपको लिंक उस वीडियो का मिल जाएगा ये दूध दूध कम और पानी ज्यादा लग रहा है दिस इज लेस ऑफ मिल्क एंड मोर ऑफ वॉर दिस इज मोर ऑफ वॉर देर देन मिल्क उसका धन्यवाद करना चाहिए इतना सिंपलियर आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ इसका मतलब आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है इसका क्रेडिट आपको किसी को देना चाहिए उसके लिए आपको शुक्र गुजार होना चाहिए किसी का यू गट अट सम Let's see another example. You gotta hand it to him for reminding you of your wife's birthday. wife ka birthday hona chahiye usko dena chahiye You gotta hand it to him. If you watch my video lessons, it will be much easier for you to understand native speakers of English. How they speak, how they talk, what kind of phrases they use, you'll understand how that happens. Friends, I just heard someone

He is just bluffing. He is just bluffing. Bluffing का मतलब होता है बस कहना करना नहीं वो कुछ नहीं करेगा वो सिर्फ बातें बनाता रहेगा He won't do anything. He will just keep bluffing. He will just keep bluffing. He won't do anything. He isn't gonna do anything except bluffing. क्या पता पार्टी थोड़ा बोझ हल्का कर दे जो तुम लिए घूम रहे हो

रिड्यूस कर देना किसी चीज को लेसन कर देना उस चीज के इफेक्ट को किसी चीज की इंटेंसिटी को कम कर देना मतलब कम कर देना हल्का कर देना रिड्यूस कर देना किसी चीज को लेट्स सी मल्टीपल एग्जांपल्स सरकार गरीबी को कम करने की कोशिश कर रही है द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अलीविएट द पॉवर्टी ये दवाई तुम्हारा सिर दर्द कम करेगी दिस मेडिसन विल अलीविएट यन विल अलीविएट योर है You can also say it will ease your headache, it will ease your headache. this medicine will give you a relief. it will reduce your headache. Praying to God will alleviate your fear, will alleviate your fear. I think now you know how to use alleviate in different types of situations. सो so फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा है इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो सो so फ्रेंड्स बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में तब तक के लिए अपना ख्याल रखना टेक केयर एंड बाय